कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो क्लासरूम मैनेजमेंट स्ट्रेटजीज का एक बहुत अहम हिस्सा हैं कम्युनिकेशन स्किल्स से हमारी क्या मुराद कम्युनिकेशन स्किल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं एक जिसको हम वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं और दूसरी जिसको हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो ये हैं कि जो टीचर जो है वो स्टूडेंट के साथ बात कैसे कर रही नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का ताल्लुक जो है वो जेस्चर्स फेशियल एक्सप्रेशन और आई कॉन्टेक्ट से होता है इसके बारे में हम बात पहले भी कर चुके हैं तो वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स ये दो तरह की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं जिनको बेहद इफ़ेक्टिवली क्लासरूम में यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग इन द क्लासरूम म तौर पर यह देखा जाता है कि टीचर्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते जिसकी वजह से क्लासरूम में चंद फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर सामने आ जाते हैं द टीचर इज़ अनएबल टू यूज टू मेक गुड यूज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एट द सेम टाइम ही और शी इज़ अनएबल टू मेक यूज ऑफ़ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स जिसकी वजह से द लेसन प्लान गेट्स अफेक्टेड

लेट इट नॉट बी आ टीचर सेंटर्ड क्लास जिसमें सिर्फ आप बात कर रहे हैं जब स्टूडेंट्स बात करते हैं तो उनकी बात को गौर से सुनें क्योंकि जब आप उनकी बात को सुनते हैं तो आपको यह अंदाज़ा होता है कि उनको लेसन जो है या जो कॉन्सेप्ट है कितना समझ में आया है या नहीं इसके अलावा जब आप स्टूडेंट्स को सुनते हैं जो और अगर उनके कोई इश्यूज हैं विच मे नॉट बी रिलेटेड टू द एकेडमिक साइड ऑफ द क्लासरूम तो वो हल करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ये वो इश्यूज होते हैं जो बाद में क्लासरूम मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट करते हैं सो प्लीज अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू बी अ गुड लिसनर दैट इज पार्ट ऑफ बीइंग ऑफ बीइंग अ गुड कम्युनिकेटर एज वेल जब हम गुड कम्युनिकेशन स्किल्स की बात करते हैं तो इसमें लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों आ जाते हैं इसके अलावा आप पर यह लाजिम है दैट यू आर ऑल्सो अ गुड स्पीकर आप जब क्लासरूम में जबान का इस्तेमाल करते हैं तो इस पर जोर दें कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं दैट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस यू हैव टू बी वेरी आर्टिकुलेट इन द क्लास रूम यू नीड टू नो योर कॉन्सेप्ट वेरी वेल मोर ओवर यू नीड टू कम्युनिकेट दोज कॉन्सेप्ट इन द मच डिजायर्ड मैनर इसमें जो है आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं दे आर एक्सट्रीमली और जब आप क्लासरूम में बात करते हैं और आपका बात करने का अंदाज़ ठीक है और आपका रवैया ठीक है तो फिर आप जो हैं वो एक नॉन थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट जो हैं वो लेकर आते हैं जब क्लासरूम का जो माहौल है वो नॉन थ्रेटनिंग और स्ट्रेस फ्री होगा स्टूडेंट्स जो हैं वो उतने ही गौर से आपकी बात सुनेंगे क्योंकि जब स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रेस में आ जाते हैं स्टूडेंट्स जब स्ट्रेसफुल बिहेवियर्स मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं तो इसका एक जो है बुनियादी रीज़न ये हो सकता है दैट यू आर अ थ्रेटनिंग फिगर इन द क्लासरूम इसके लिए इस चीज़ को जहन में रखें कि अगर आपने स्टूडेंट को रिप्रीमांड करना है अगर आपने उसको डांटना है तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि स्टूडेंट जो है उसके साथ एक नॉर्मल टोन में बात करें अपनी जो आवाज है उसको इतना ज़्यादा ऊंचा ना कर लें कि स्टूडेंट्स जो है वो डर जाए इसके अलावा इस चीज़ का जो है वो इस देखें कि आप जो है कोई ऐसे जेस्टर्स यूज ना करें क्लास में जो स्टूडेंट को परेशान कर। सो प्लीज ट्राई टू यूज गुड जेस्टर्स इन द क्लास रूम एंड प्लीज डू नॉट रेज योर वॉइस टू अ लेवल जिससे स्टूडेंट जो है वो परेशान हो जाए मसलन उंगली उठा के जब आप स्टूडेंट से बात करते हैं तो दैट इज अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन So, please try to make use of good communication skills in order to have an effective classroom.